नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा ड्यूटी 24x7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। देश में 8 तारीख को अनलॉक 1 का शुरुआत हुई थी। धार्मिक स्थल से लेकर मॉल तक काफी कुछ खुल गया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शॉपिंग करें, सारे मॉल के बाहर सैनिटाइजिंग करने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की हमला बढ़ती चली जा रही है। शोपिया में हुआ था एनकाउंटर, 4 आतंकवादी की हुई थी मौत। गुरुवार को राजौरी में एक आतंकी हुआ था ढेर। भारत और चीन तनाव से जुड़ी बड़ी खबर। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार से चीन बौखलाया। चीन ने कहा, बहिष्कार करने की अभियान से कुछ नहीं होगा। चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स में ये न्यूज आई थी। असम में तेल के कुएं में आग लग गई थी। आग को बुझाने में 2 दमकल कर्मियों की जान गई। कोरोना के काल में केदारनाथ यात्रा का विरोध। उत्तराखंड में कोरोना के 1500 से ज्यादा केसेस है और 13 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, तो इसलिए उत्तराखंड के बाहर के लोगों के लिए ये यात्रा फिलहाल के लिए 30 जून के बाद ही शुरू होगी। क्या भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है? ICMR ने सफाई दी है कि भारत में अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक भारत में 2,88,000 से ज्यादा मरीज है और भारत में कोरोना से 9,000 से ज्यादा मौत हुई है। दुनिया में कोरोना के मामले में 6 नंबर पर है इंडिया, तो कम्युनिटी स्प्रेड कैसे नहीं हुआ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के बावजूद युद्ध जैसी स्थिति भी बन रही है। चीन वहां पर लगातार अपने सैनिकों की स्थिति बढ़ाता जा रहा है और भारत बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है कि वो चीन के बेकाबू में आए, और इसीलिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वो पूरी सीमा वहां पर भारत अपने तैनाती को बढ़ा दिया है। उड़ीसा में 120 कोरोना योद्धा को कोरोना हुआ है। पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर को मिलाकर 120 योद्धा को कोरोना। सितंबर से पहले नहीं होगा DL और CL का आवेदन। जो पहले आवेदन किए हैं उनको नया टाइम दी जाएगी। ऑनलाइन में होगा BPUT एग्जाम। अगर परीक्षार्थी चाहें तो ऑफलाइन में भी देख सकते हैं एग्जाम, लेकिन एग्जाम नहीं रुका जाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक में होगा एग्जाम। ओडिशा में जुलाई में होने वाला PG और +3 के लास्ट सेमेस्टर को फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बातिल कर दिया है। रसिया के साइबेरिया में 20,000 टन का डीजल लीक हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 साल लग जाएंगे नदियों को साफ करने में। विलियम्स का लॉस हुआ है रसिया को। जो डीजल लीक हुआ है वो अंबरनया नदी, जो कि नायल्स के पास में है, इस नदी से लेकर आर्कटिक ओशन तक सारे पानी खराब हो गया है। पानी खराब होने की वजह से पानी में रहने वाले जानवर और वनस्पतियों को नुकसान हो रहे हैं। उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार रज पर्व की आज पहला दिन है, जिसे पहली रज कहते हैं। दूसरे दिन को रज संक्रांति, तीसरा दिन को बसुमती स्नान कहते हैं। अभी कोरोना के चक्कर में कोई भी एक साथ मिलजुल कर तो नहीं मना सकते, लेकिन अपने अपने घर में धूमधाम से मना रहे हैं त्यौहार। मुंबई में प्रसिद्ध एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आज देहांत हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। तो साप्ताहिक भारत में आज के लिए इतना ही। नमस्ते।